हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस हम स्टार्ट करेंगे क्रिएट नोटिफिकेशन मेथड को क्रिएट करना हमारे इस नोटिफिकेशन मैनेजर क्लास के अंदर। इसका एक्चुअल नेम है म्यूजिक नोटिफिकेशन मैनेजर क्लास। सो लेट गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। यहां पे मैं फंक्शन कीवर्ड के थ्रू में एक मेथड क्रिएट करूंगा जो कि होगा क्रिएट नोटिफिकेशन। ठीक है, मेरे मेथड का नेम है क्रिएट नोटिफिकेशन एंड देन इसके बाद में इसके ब्रैकेट्स को स्पेसिफाई कर दूंगा ब्रेसेस एक्सपेंड। तो इसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो होगी नोटिफिकेशन टाइप की। इसके बाद में इसकी बॉडी स्पेसिफाई कर दूंगा। अभी मैं एरर दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर हमने अभी तक कोड को स्पेसिफाई नहीं किया है। सो दैट इज द रीजन ये हमें एरर प्रोवाइड कर रहे हैं। उससे पहले गाइस इसमें कुछ चीजों को चेंजेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो हमारा ये नोटिफिकेशन जो कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था जो कि हमारा है नोटिफिकेशन बिल्डर, तो इसे हमें नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट बिल्डर बनाना है ताकि हम कॉम्पैक्टिबिलिटी वाला यूज करें। क्योंकि हम जो पैकेज यूज करें वो यूज करें एंड्रॉइड कोर कंटेंट कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट, ये एक्स वाला हम यूज करें, दैट इज द रीजन। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट है, ये एंड्रॉइड एक्स वाला है, तो इस वजह से काफी प्रॉब्लम आती है। मीन्स जो कोड है वो मिसमैच हो जाता है। तो अगर आप भी एंड्रॉइड एक्स वाला यूज करो, लेटेस्ट एंड्रॉइड स्टूडियो यूज कर रहे हो, अगर आपको मैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो का वर्जन दिखाऊं जो कि है 3.5, तो इस कारण यहाँ पे हमारे को फोर्सफुली गूगल चाहता है कि हम एंड्रॉइड एक्स वाला यूज करें। तो 3.5 में बाई डिफॉल्ट ही हमारा जो प्रोजेक्ट क्रिएट होता है वो एंड्रॉइड एक्स डिपेंडेंसीज के साथ क्रिएट होता है। तो अगर आपको मैं ग्रेडल फाइल यहाँ पे दिखाता हूँ एक बार ओपन करके ग्रेडल फाइल्स, तो अगर यहाँ पे आप देखें बिल्ड आउट ग्रेडल फाइल, तो यहाँ पे जितनी भी डिपेंडेंसीज उसके उनके पीछे एक्स लगा हुआ है। तो ये लिगेसी सपोर्ट है, मीन्स गूगल जो कि ऑलमोस्ट सेम है, तो इसका एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मीन्स जैसे कि यहाँ पे पहले 27, 28 इस तरीके से हमारे को डिपेंडेंसीज को सेम मैनेज करना होता था, लेकिन अब ये एक्स होने के कारण हमें सिर्फ 1.0 और 1.1.01 पे ही ध्यान देना होता, हमें ज्यादा कुछ इसके बारे में सोचना नहीं होता। तो ये थोड़ा सा एडवांस है जो गूगल ने इम्प्लीमेंट करा था फीचर, बट कुछ कोड है जो वर्क नहीं करते जैसे कि यहाँ पे, तो चेंजेस करनी पड़ते हैं वेरिएबल्स में बार बार। बिलो आते हैं गाइस, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी हमें को यहाँ पे ये एक्चुअली में एरर दे रहा है। दैट इज द रीजन कि क्रिएट नोटिफिकेशन नाम से मेथड है, क्योंकि ये क्रिएट नोटिफिकेशन हो गया और एक यहाँ पे भी क्रिएट नोटिफिकेशन, तो दोनों हो गए। तो दैट इज द रीजन कि दो नाम के मेथड सेम नहीं हो सकते। और प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे भी कोई पैरामीटर नहीं है और यहाँ पे भी कोई पैरामीटर नहीं है। दैट इज द रीजन कि हमें इस मेथड का नेम चेंज करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसके आगे चैनल स्पेसिफाई कर देता हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन चैनल को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसके ब्रैकेट के आगे कर दिया, कट करता हूँ इसके, यहाँ पे स्पेसिफाई करता हूँ। आप देख सकते हैं अब हम पे एरर जा चुका है जो कि डुप्लीकेट ऑफ मेथड्स का आ रहा था, अब यहाँ पे भी एरर जा चुका है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एरर दे रहा है बिकॉज दिस फंक्शन वांट टू रिटर्न समथिंग, क्योंकि ये मेथड कुछ रिटर्न करेगा क्योंकि ये नोटिफिकेशन टाइप हमने स्पेसिफाई कर रखी है इस पर्टिकुलर मेथड की, तो एक नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करेगा। सो लेट जस्ट स्टार्ट। यहाँ पे मैं सबसे पहले वेल यहाँ पे यूज करता हूँ, तो वेल देन यहाँ पे हम सॉन्ग इज इक्वल टू देन यहाँ पे एम म्यूजिक सर्विस इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि हमारी म्यूजिक सर्विस है वही हमें अटैच करनी है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के साथ। तो जो म्यूजिक सर्विस है वो एक्चुअली में सॉन्ग को हमें अटैच करना है ताकि सॉन्ग हमारा प्ले होता रहे। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे गेट करंट सॉन्ग, तो जो भी करंट सॉन्ग होगा वो हम इस सॉन्ग वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देंगे, देन उसे हम इस क्रिएट नोटिफिकेशन के साथ अटैच कर देंगे सो दैट कि वो नोटिफिकेशन में भी डिस्प्ले होता रहे और वहां से हम उसको चेंजेस करें। देन इसके बाद हम नोटिफिकेशन बिल्डर का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे टू बिल्ड दी नोटिफिकेशन इज इक्वल टू देन यहाँ पे यूज करेंगे नोटिफिकेशन जो कि होगी हमारी क्लास। तो पूरा मैं टाइप करता हूँ पहले, तो यहाँ पे आपको यूज करना है नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट, मैंने आपको पहले बताया क्योंकि हम जो ऊपर पैकेज यूज कर रहे हैं वो कोर और नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट है जो कि एंड्रॉइड एक्स वाला है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट भी है, तो सारे के सारे एक्स वाले हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर आपने कोई गलती करके तो आप जरूर अपने इम्पोर्ट स्टेटमेंट को जरूर चेक करें ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि एंड्रॉइड एक्स में बहुत सारी चीजें चेंजेस है, कई कोड वर्क करते हैं कई कोड वर्क नहीं करते, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पे हम यूज करेंगे बिल्डर, क्योंकि हमें नोटिफिकेशन बिल्ड करें तो बिल्डर क्लास का हम यूज करेंगे। एंड देन यहाँ पे हमारे को दो पैरामीटर पास करने, पहला तो हमारे को अपना म्यूजिक सर्विस पास करना है, देन यहाँ पे म्यूजिक सर्विस पास कर देते हैं हमारे इस बिल्डर मेथड के ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले बिल्डर म्यूजिक सर्विस, देन सेकंड जो हमारे को पास करना है वो नोटिफिकेशन की चैनल आईडी जो कि हमने ऊपर डिफाइन कर रखी है। देन यहाँ पे हम इफ कंडीशन स्पेसिफाई करूंगा और हमें यहाँ पे बिल्ड कंडीशन को चेक करना है कि जो ओरियो को हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा बिल्ड डॉट वर्जन, तो हमारे यहाँ पे वर्जन एसडीके हमें यूज करेंगे, वर्जन एसडीके बिल्ड एसडीके वर्जन इंट, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बिल्ड एसडीके वर्जन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसके बाद फिर से हम यहाँ पे बिल्ड को कॉल करेंगे बिल्ड हमारा जो कि होगा बिल्ड, देन इसके बाद हम यूज करेंगे वर्जन कोड्स एंड देन डॉट आप यहाँ पे डिफरेंट, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ओरियो, देन इसके बाद क्योंकि ओरियो से ग्रेटर होगा तभी हमारा कोड वर्क करेगा, उससे बिलो हम नोटिफिकेशन को क्रिएट नहीं करेंगे। तो अगर उससे बिलो डिवाइस होगा तो नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, ये पर्टिकुलर कोड नहीं यूज होता। तो यहाँ पर हम सिंपली हम क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल को यूज करेंगे, क्रिएट नोटिफिकेशन नहीं, क्योंकि क्रिएट नोटिफिकेशन मेथड तो यही है, तो इससे हमारी नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद गाइस अब हमारे को फिर से ओपन प्लेयर इंटेंट करना है, तो एक हम इंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे हम म्यूजिक को स्टार्ट करेंगे, तो इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि होगा ओपन प्लेयर इंटेंट, तो प्लेयर इंटेंट यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं, देन इज गोइंग टू इक्वल टू
इंटेंट क्लास, तो इंटेंट आपको मैंने बताया कि इंटेंट काफी चीजों के लिए यूज होता है, नॉट ओनली फॉर स्टार्टिंग द एक्टिविटी। इंटेंट कई चीजें करता है हमारा, तो सर्विस भी स्टार्ट होती है उससे, और साथ साथ उससे हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ साथ हम एक्टिविटी तो करते हैं जो कि हम मेनली सबसे पहले यूज करते हैं। यहाँ पे मैं यूज करूंगा क्लास डॉट जावा, हमें एक यहाँ पे सर्विस स्टार्ट करनी है, तो सेम कॉन्सेप्ट है जैसा कि आप जावा में यूज करते हैं। इंटेंट पे हमें सर्विस का ऑब्जेक्ट पास करना होता है, एंड कौन सी सर्विस है, कहाँ से है, उसके साथ वो हमें स्पेसिफाई करना होता है। इसके बाद गाइस ओपन प्लेयर इंटेंट पे हमें फ्लैग सेट करने हैं, तो सेट फ्लैग्स हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम कोटलिन यूज करते हैं, हम सीधा प्रॉपर्टी को यूज करेंगे देन इंटेंट। तो ये हमारा इंटेंट है। इसके बाद फ्लैग एक्टिविटी, तो हमारी फ्लैग एक्टिविटी प्लेयर टॉप, तो हम ये यूज करेंगे हमारा कॉन्स्टेंट, एंड देन और का हम यहाँ पे यूज करेंगे, एंड देन इंटेंट, फिर से हम इंटेंट का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, दैट इज दिस वन, एंड्रॉइड कंटेंट पैकेज के अंदर जो है, देन इंटेंट फ्लैग सिंगल टॉप, सिंगल टॉप, ये हमारा आ चुका है। देन इसके बाद गाइस हमें फिर से, अभी हमारा कोड कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं प्रोजेक्ट टैब पे क्लिक करता हूँ, तो दैट कि आप सब क्लियरली देख सकें, तो अभी हम म्यूजिक सर्विस के अंदर ही हैं। इसके बाद गाइस हम एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि होगा वेल टाइप का, जो कि होगा पेंडिंग इंटेंट, तो इसे मैं दूंगा कंटेंट इंटेंट नाम, ये होगा हमारा पेंडिंग इंटेंट के लिए यूज, तो इसे हम यूज करेंगे फॉर दी रिक्वेस्ट कोड, तो इसमें हम रिक्वेस्ट कोड को सेट करेंगे, तो पेंडिंग इंटेंट आप इसके बारे में नेट पर सर्च करते हैं, ऑलमोस्ट इंटेंट की तरह एक्ट करता है, बस थोड़ा सा एडवांस होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे गेट एक्टिविटी, तो एक्टिविटी एंड देन हमारे को यहाँ पे सबसे पहले पास करना है एम म्यूजिक सर्विस, अलॉन्ग विद दैट हम कॉमा स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसके बाद भेज देंगे रिक्वेस्ट कोड। देन अभी हम इसके अंदर हैं, तो हमारे को यहाँ पे कॉमा स्पेसिफाई करना है, देन ओपन प्लेयर इंटेंट को पास कर देंगे इसके अंदर, अलॉन्ग विद दैट कॉमा स्पेसिफाई करके यहाँ पे हम भेज देंगे जीरो, कि हमारे को कोई फ्लैग हमने सेट नहीं करना है। इसके बाद गाइस वेल, तो हमारे को आर्टिस्ट भी डिस्प्ले कराना हमारी नोटिफिकेशन पे, तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे हम आर्टिस्ट वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, आर्टिस्ट नेम जो भी हमारे इस पर्टिकुलर म्यूजिक का नेम होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, तो सॉन्ग के थ्रू हम गेट आर्टिस्ट को कॉल करेंगे, तो सॉन्ग एक्चुअली हमारी सॉन्ग क्लास है, इसमें से हम गेट आर्टिस्ट नेम को कॉल कर लेंगे, तो ये हमारा आर्टिस्ट नेम। इसके बाद गाइस फिर से भाई सॉन्ग टाइटल, तो सॉन्ग का टाइटल क्या है, तो वो वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ मैं, सॉन्ग टाइटल इज इक्वल टू सॉन्ग डॉट टाइटल, ये सारा भी मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब इसके बाद गाइस हमारे को यहाँ पे इनिट मीडिया सेशन को कॉल करना है, क्योंकि हमारे को मीडिया सेशन की जरूरत है, तो इनिट मीडिया सेशन एंड देन इसके अंदर हम पास कर देंगे सॉन्ग को। आफ्टर दैट गाइस अब हमारे को अपना नोटिफिकेशन बिल्डर कोड स्पेसिफाई करना है, तो यहाँ पर टाइप करते हैं नोटिफिकेशन बिल्डर एंड देन सबसे पहले नल वैल्यूज के लिए चेक करेंगे, देन मैं एंटर प्रेस करता हूँ क्योंकि एक ही लाइन में मैं सारे कोड को स्पेसिफाई नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं सबसे पहले करूंगा सेट शो व्हेन, तो बहुत सारे मेथड का मैं यूज करना है सेट शो व्हेन, तो उसे मैं फॉल्स कर दूंगा। देन इसके बाद हम फिर से एक और मेथड यूज करेंगे, देन दिस इज गोइंग टू सेट स्मॉल आइकन, तो आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइकन सेट कर सकते हैं, मीडियम लार्ज आइकन भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सेट स्मॉल आइकन, ये रहा सेट स्मॉल आइकन, देन यहाँ पे हम आइकन को स्पेसिफाई कर देंगे, तो आइकन जो हमारे यहाँ ड्रॉएबल डॉट में हमने रखे हुए, तो आईसी हमारा जो म्यूजिक प्लेयर का आइकन है वो हम यूज करेंगे आईसी म्यूजिक प्लेयर। इसके बाद सेट लार्ज आइकन, आप यहाँ पे स्मॉल आइकन सेट कर देते हैं, लार्ज भी कर देते हैं साथ के साथ ही, सेट लार्ज आइकन देन आर डॉट हमारे ड्रेबल में डायरेक्टरी में स्टोर है, तो जो लार्ज आइकन है गाइस वो डायरेक्टली भी हम सेट कर सकते हैं, बट देर में भी ये चांस कि जो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बिटमैप्स का यूज करेंगे, तो हमने जो क्लास बनाया हम उसका यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली सेट कर दोगे तो देर में भी चांस की जो आर्ट है वो काफी ज्यादा हैवी हो, तो दैट इज द रीजन की यहाँ पे हम बिटमैप क्लास का यूज करेंगे पाथ, जो कि हमने स्पेसिफाई कर रखी थी अपनी क्लास, देन इसके बाद कोमा, देन इसके बाद हम यहाँ पे एम म्यूजिक सर्विस स्पेसिफाई करेंगे, देन यहाँ पे हमारे को सॉन्ग के थ्रू उसको कॉल करना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉन्ग को सॉन्ग डॉट पाथ, नाउ द एरर इज एक्चुअली गॉन, तो यहाँ पे म्यूजिक सर्विस डॉट बेस कॉन्टेक्स्ट, तो ये हमने स्पेसिफाई कर दिया है लार्ज आइकन, क्योंकि हम कन्वर्ट करके करेंगे। देन उसके बाद सेट कलर कर देते हैं, तो जो कलर है वो हम एक्सेंट के कलर के साथ ही कर देंगे, तो सेट कलर, तो आप अपनी नोटिफिकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन पे कोड को मॉडिफाई कर रहा हूँ। देन कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट का हमें यूज करना होगा, क्योंकि एंड्रॉइड की हम लेटेस्ट एंड्रॉइड एक्स कॉन्टेक्स्ट वाला हमें यूज करना है, कंटेंट वाला भी आप यूज कर सकते हो एंड्रॉइड कंटेंट वाला, पर हम एंड्रॉइड x.core.content वाला यूज करेंगे, क्योंकि ये लेटेस्ट है, अगर आप लेटेस्ट नहीं यूज करोगे तो आपको हो सकता है एरर मिले, क्योंकि मैं यहाँ पे जो मेरा मिनिमम बिल्ड टूल है वो भी मैं 25 यूज कर रहा हूँ, अगर आप 22 पे तो आपका जो कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट है वो चलेगा नहीं, तो उस केस में आपको डिफरेंट यूज करने पड़ेंगे। देन यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करता हूँ कॉन्टेक्स्ट एंड देन यहाँ पे कॉमा स्पेसिफाई करता हूँ, देन आर डॉट जो मेरे को कलर अपना स्पेसिफाई करना है, कलर जो भी है तो वो मैं यूज करूँ कलर एक्सेंट, आप अपने हिसाब से कस्टम कलर डिफाइन कर सकते हैं कलर डॉट क्लास के अंदर। देन यहाँ पे फिर से मैं डॉट स्पेसिफाई करता हूँ, देन यहाँ पे होगा हमारा कंटेंट टाइटल, तो कंटेंट का टाइटल मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ, ये रहा वो नोटिफिकेशन का कंटेंट टाइटल, तो यहाँ पे आप सॉन्ग टाइटल यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे जो हमने ऊपर इनिशियलाइज किया था वेरिएबल। देन इसके बाद फिर से हम कॉल करेंगे एक और मेथड, तो थोड़ा सा मैं टॉप पे आ जाता हूँ, बीच में कर लेते हैं व्यू को। देन यहाँ पे सेट कंटेक्स्ट टेक्स्ट हम स्पेसिफाई करेंगे, तो आर्टिस्ट जो हमने इनिशियलाइज कर रखा उसको हम सेट कर देंगे,
अलोंग विद दैट फिर से मैं डॉट स्पेसिफाई करता हूँ, देन यहाँ पे मैं यूज करूंगा सेट कंटेंट इंटेंट। यहाँ पे आप ये रहा कंटेंट इंटेंट, तो इंटेंट हमारा जो है वो कंटेंट इंटेंट ही है। इसके बाद गाइस हम यहाँ पे यूज करें ऐड एक्शन, तो हमें एक्शन भी ऐड करने हैं। तो जो भी हमने कंपेनियन ऑब्जेक्ट्स के अंदर जितने भी कॉन्स्टेंट्स डिफाइन किए थे अब हम उनका यूज करेंगे। तो एक्चुअली में म्यूजिक क्लास में आ गया था, तो जो भी हमने कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर कॉन्स्टेंट डिफाइन करें हम उनका यूज करेंगे, तो वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। तो चलिए करके करते हैं स्पेसिफाई। वो सारे के सारे हम नोटिफिकेशन एक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन एक्शन, देन इसके बाद इसके अंदर हमारे को स्पेसिफाई करना है प्रिव एक्शन, जो कि है प्रीवियस एक्शन को डिनोट करता हुआ। देन इसको मैं चाहूँ तो डुप्लीकेट कर देता हूँ, क्योंकि तीन बार हमें स्पेसिफाई करना है। देन यहाँ पे मैं कर दूंगा हमारा प्ले पॉज, देन यहाँ पे मैं कर दूंगा बिटवीन। तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस इसी तरीके से रखना है, पहले प्रीवियस आएगा, देन प्ले पॉज सेंटर में, देन प्रीवियस, देन नेक्स्ट वाला सेंटर में, मीन्स नेक्स्ट वाला सबसे तीसरे नंबर पे। अगर आप आगे पीछे कर दोगे तो आपकी नोटिफिकेशन भी उसी तरीके से क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद गाइस अब हमारे को लास्ट मेथड कॉल करना है, जो कि होगी सेट विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी इसके यहाँ पे हम सबसे पहले नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट को ऑब्जेक्ट भेजेंगे। तो नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट, जो कि एंड्रॉइड एक्स कोर का पैकेज है, देन डॉट और विजिबिलिटी। तो यहाँ पे विजिबिलिटी हमें पब्लिक करनी है, क्योंकि वो पब्लिकली नोटिफिकेशन हमारे डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले हो जाए। तो गाइस ये हमने अपना नोटिफिकेशन बिल्डर ऑब्जेक्ट सेट कर दिया है, जो जो उसके अंदर हमने नोटिफिकेशन को मॉडिफाई कर दिया है। अब नेक्स्ट काम है फिर से हमें नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करना है, जो कि नोटिफिकेशन बिल्डर, देन हमारे जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डबल साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ऑपरेटर, देन यहाँ पे सेट करते हैं सेट स्टाइल, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम यूज करेंगे नोटिफिकेशन कॉम्पैक्ट। तो कैप्स लॉक दब गया, तो नोटिफिकेशन हमारा जो है कॉम्पैक्ट डॉट, यहाँ पे हम कॉल करेंगे मीडिया स्टाइल। तो ये है हमारा मीडिया, इस तरीके से हमारा मीडिया स्टाइल आने वाला। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली मीडिया स्टाइल को टाइप करता हूँ। ये है हमारा मीडिया स्टाइल, तो इसको मैं यहाँ पे, अब आप देख सकते हो स्टाइल भी हमारे यहाँ पे कई दो तरीके हैं। तो एक है एंड्रॉइड एक्स वाला और एक है नोटिफिकेशन, तो हम एंड्रॉइड एक्स वाला यूज करेंगे। देन इसके बाद गाइस अब हमारे यहाँ पे इसकी हमें ब्रेसेस भी स्पेसिफाई करनी है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट स्पेसिफाई कर देता हूँ। देन आप देख सकते हैं एरर जा चुका है, देन अभी हमारा कोड खत्म नहीं हुआ है, तो इस ब्रैकेट के हमें अंदर रहना है, मीन जो हमारी मीडिया स्टाइल की ब्रैकेट, तो हमें ओपनिंग एंड क्लोज कर देनी है। देन इसके बाद हम एंड्रॉइड स्पेसिफाई करेंगे, टैब की प्रेस करता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं फिर से सेट हमारे को कॉल करना है मीडिया सेशन। तो मैं टैब की से थोड़ा और आगे से कर देता हूँ फॉर्मेट, तो सेट मीडिया सेशन, देन यहाँ पे हम मीडिया सेशन ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई कर देंगे अपना, अलॉन्ग विद दैट ना सेफ्टी रेफरेंस ऑपरेटर, देन डॉट सेशन टोकन यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। इस तरीके से हमारी ब्रैकेट बंद हो जाएगी। आफ्टर दैट गाइस हमारा मीडिया सेशन का ब्रैकेट बंद हुआ है, जैसे कि ये वाला है, लेकिन अभी हमारी जो मेन ब्रैकेट है वो भी बंद नहीं है, जो कि है सेट स्टाइल की। तो आपको फिर से एंटर प्रेस करना है, एंड यहाँ पे अब फिर से मैं टैब की प्रेस करता हूँ, और फिर से एक और मेथड हमें कॉल करना है, जो कि होगा डॉट, तो जैसे मैंने सेट, जो कि होगा शो एक्शन इन कॉम्पैक्ट व्यू। तो यहाँ पे अब आपको कॉन्स्टेंट स्पेसिफाई करने हैं, तो यहाँ पे पहले टैब की से प्रेस करके इसको फॉर्मेट कर दूँ लाइक दिस, तो स्पेस का यूज करते हैं, टैब से कुछ एक्स्ट्रा ही जा रही है स्पेसिंग। देन यहाँ पे हमारे को कॉन्स्टेंट स्पेसिफाई करने हैं, पहले मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ एक्स्ट्रा स्पेसिंग, जो कि हमारे सेट स्टाइल मेथड की ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट, देन जीरो। तो यहाँ पे मैं जीरो स्पेसिफाई करता हूँ, देन कॉमा वन कॉमा टू, तो कॉन्स्टेंट मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिए हैं, क्योंकि हमारे इसके अंदर तीन हमने एक्शन डिफाइन कर रखे, तो दैट इज द रीजन यहाँ पे जीरो टू वन हम यूज कर रहे हैं। इसके बाद गाइस अब एट लास्ट हम अपना ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देंगे, जो कि है हमारा ऑब्जेक्ट नोटिफिकेशन बिल्डर क्लास का, मेरा नोटिफिकेशन बिल्डर। देन इसके बाद हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे टू टाइम्स साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड देन बिल्ड। तो फाइनली गाइस अब हमारा नोटिफिकेशन मेथड हो चुका है क्रिएट, दैट इज द रीजन की मैंने इसे सेपरेट वीडियो में क्रिएट किया, क्योंकि मेरे को आपको कई चीजें यहाँ पे डिफाइन भी करनी थी। तो यहाँ पे हम बिल्ड एसी के वर्जन भी क्रिएट कर रहे हैं, तो जितना अगर ग्रेटर होगा तभी हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा, नोटिफिकेशन चैनल तभी क्रिएट होगा। और जैसे कि आपने देखा ये नोटिफिकेशन चैनल पर हमने रिक्वायर सीपीआई 26 कर रखा है, कि मिनिमम 26 हमें चाहिए। तो गाइस अब हमारी नोटिफिकेशन मैनेजर क्लास रेडी है यूज करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।